भर में कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहीद मेजर अजय प्रसाद के पिता से बंसलियों से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटे की यादों के सहारे ही जीवन बीत रहा है, बेटे के जाने के बाद उसी को याद करते हैं। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद मेजर अजय प्रसाद के पिता से बंसलियों से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटे की यादों के सहारे ही जीवन बीत रहा है, बेटे के जाने के बाद उसी को याद करते हैं। देखो 25 बरस बीत चुके हैं, लेकिन शहीद मेजर अजय प्रसाद के पिता अपने बेटे शहीद बेटे की ही यादों में खोए हुए हैं और हर पल उनके साथ बिताए हुए उन लम्हों उन पलों को याद करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ शहीद मेजर अजय प्रसाद के माता पिता, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कैसे आप उन पलों को याद करते हैं जब आपका बेटा आपके साथ हुआ करता था और फिर अब यादों के सहारे लंबा अरसा एक बीत गया है? देखिए, अजय की याद तो हमेशा आती है, याद करने की चीज़ नहीं है, वो ऐसा लगता है कि हमेशा ही हमारे साथ हैं और उनकी कमी भी खलती है जब वो व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मैं देखता हूँ कि वो तो है नहीं अब। तो अजय एक ऐसे हमारे बेटे थे जिन पर मुझे नाज था, गर्व था, गर्व आज भी है। अजय जो हैं, एक बार स्टेशन पर गए छोड़ने, उनको वो जा रहे थे, हम लोग छोड़ने गए थे और वो जा रहे थे, हाँ ज्वाइनिंग पर कहीं नहीं, युद्ध में ही जा रहे थे। वो तो पूरा जीवन उनका युद्ध में ही बीता है। कमीशन मिला तो वो श्रीलंका के युद्ध में गए, उसके बाद वो मिजोरम में रहे, वहाँ पर मणिपुर में रहे और उसके बाद फिर यहाँ कारगिल में रहे। तो एक बार उनको ऐसे ही किसी युद्ध में ही वो जा रहे थे, हम लोग रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए तो वो ट्रेन चल चुकी थी और पता नहीं हम लोगों के आँखों में कुछ आंसू जैसा चीज़ या कुछ अफसोस जैसी चीज़ झलकी होगी। वो चलती ट्रेन से कूद गए और कूद कर आकर सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा मत करिए, मैं लौट के आऊँगा। और वो जब मैंने कहा रही ट्रेन गई, तुम्हारा डब्बा आगे चला गया, चल रही है, तो फिर वो दौड़ के ट्रेन में चढ़ भी गए। तो चलती ट्रेन से कूद कर हमारे पास आना और फिर ट्रेन में हम लोगों को समझौता करके जाना, ये उन्हीं के बस का था। अगर आज वो होते तो कैसा होता, और अब नहीं है तो कैसे आप दिन भर सारा दिन उन्हीं की यादों में ही आपका व्यतीत होता? देखिए, आज उनकी बहुत अधिक आवश्यकता हो है। अब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इस उम्र में आदमी को ज़रूरत होती है बेटे की, बहू की, सबकी। कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अब अगर वो होते तो हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से कटती, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। अब मुझे हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर है, जो भी पड़ोसी आते हैं, जो भी लोग हैं, उनसे सहारा मिलता रहता है, उसी पर गुजारा कर रहे हैं। शहीद मेजर अजय प्रसाद की माता पिता हैं, माँ की आंखों में आंसू हैं, इंतजार बहुत लंबा हो गया है और अब हर दिन बस अपनी बेटी की यादों में ही गुजरता है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।